वेलकम टू अंगोला। साइकिल बाबा की इस जर्नी के 71वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव स्टार्ट हो गई है, राइट हैंड खत्म हो गई है। इंडिया से पहले हम 3.5 घंटे पीछे थे, अब 4.5 घंटे पीछे हो गए। तो अंगोला जो है घुसते ही ऐसे लगने लग गया कि हाँ दोबारा से हम अफ्रीका में इंटर कर गए। ये जो चीज़ है ना ये तरसाती है, जो बच्चे भूखे रोड पे बैठे रहते हैं ना। 500 रुपये में 3 GB डाटा मिला है भाई। इस देश में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, मैं पहले ही बता दूँ। अभी हम हैं ओंडांगवे। ओंडांगवे हमारी लास्ट बड़ी सिटी है नामीबिया में, उसके बाद में एक छोटा सा टाउन आएगा, तो वो यहाँ से 60 किलोमीटर है बॉर्डर के आसपास। सुबह के 7:30 हो गए हैं, तो थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। देखता हूँ अगर बॉर्डर क्रॉस करने का मन हुआ तो कर दूँगा, नहीं तो रुक जाऊँगा इधर ही। हमें जाना ओसी कॉन्गो। ओसी कॉन्गो यहाँ से 60 किलोमीटर है, और एक सुपरमार्केट इधर भी आ गई, कैश एंड कैरी। तो शहर से बाहर निकल रहे हैं अब हम, मेन रोड को छोड़ दिया B1 उधर वाले को, अब एक और B1 आ गया उस पर चढ़ गए। नामीबिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है नॉर्थ की साइड में है, पिछले 100 किलोमीटर से पॉपुलेशन स्टार्ट हुई है, उससे पहले तो कोई पब्लिक ही नहीं थी। और स्पेशली जो लोकल अफ्रीकन लोग हैं वो इस साइड में रहते हैं, इस साइड में वाइट पीपल बहुत कम दिखते हैं नॉर्थ साइड में। हवा सामने की होगी यार सुबह सुबह ही, देखिए 60 किलोमीटर तो बॉर्डर पे तो पहुँचे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओसी कॉन्गो बॉर्डर का नाम है, बॉर्डर के शहर का नाम है। A few moments later, ठीक ठाक सा गांव दिख गया मेरे को यहाँ पे, अदरवाइज तो पूरे नामीबिया में गांव इस टाइप के दिखे ही नहीं। रोड से हटके दिखते थे कोई कोई, रोड के ऊपर तो गांव दिखा ही नहीं। अब मुझे अंगोला का असर दिखने लग गया है, पॉपुलेशन भी दिखने लग गई है और रोड साइड घर भी दिखने लग गए हैं। टिपिकल जो आप कह सकते हो अफ्रीका, वो दिखने लग गया है, लोग भी हाय हेलो करने लग गए हैं, ईंटें बना रहे हैं, गांव से बाहर जोड़ है, जोड़ में से गाड़ी में पानी भर रहे हैं। अब फीलिंग आई है यार कुछ गांव वाली, अभी तक तो ड्राई 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 ड्राई, इतना ड्राई था ना, नॉट ओनली मतलब देखने में, ह्यूमिडिटी सिर्फ 6% 7% थी, तो इतनी कम ह्यूमिडिटी में ना आपका स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। ये अलग स्टेट स्टार्ट हो गया, ओहांगवेना करके रीजन है कोई, यहाँ रीजन में बंटा हुआ है पूरा देश, लाइक नॉर्थ रीजन साउथ रीजन, नाम भी अलग अलग है। ओसी कॉन्गो 30 किलोमीटर, ये बॉर्डर सिटी है, अभी 30 किलोमीटर रहेगी। और देखो ग्रीन ग्रीन आ गया यार, सही में मेरी तो फीलिंग चेंज हो गई यार अच्छा लग रहा है, पर एक प्रॉब्लम आने वाली है, अब मच्छर स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और आप कैंपिंग नहीं कर सकते। आज का जो टेम्परेचर है यहाँ का वो 42 डिग्री दिखा रहा है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। साउथ पार्ट जो है वहाँ पे सर्दियाँ थी, अब यहाँ पे गर्मियाँ हैं। मुझे ये समझ नहीं आया यहाँ पे ये क्या सिस्टम है गाड़ियों को बाहर खड़ा करना, जो भी गाड़ी ख़राब होती है एक्सीडेंट होती है उसको वहीं आग लगा देते हैं। घर वर भी अच्छे बने हुए हैं यार बॉर्डर एरिया में तो। ओंडांगवा से चल के अभी रुके हम पहली बार, और ये पेड़ देखो अभी हरियाली दिखने लग गई है ना, तो मज़ा सा आ रहा है पेड़ के साथ। धनु देखो कितने मज़े से खड़ी है। और अभी जो बॉर्डर की सिटी है वो 20-25 किलोमीटर के करीब रह गई है, तो 40 किलोमीटर के करीब राइड हम कर चुके हैं, तो पहुंच जाएंगे। और टाइम हुआ है 10:30, तो मैं सोच रहा हूँ 12 बजे तक पहुँच जाऊँ वहाँ पर, और आज इधर ही रुकूँ, क्योंकि यहाँ पर आज जो टेम्परेचर होने वाला है वो 42 डिग्री होने वाला है, तो क्यों रिस्क लिया यार, 65 किलोमीटर की राइड हो जाएगी और अगली साइड में पता नहीं कितनी दूर पे कोई शहर है, क्या है, कैसे लोग हैं, तो सुबह सुबह घुसेंगे तो अच्छा रहेगा। कोविड टेस्ट है वो आज, उसको अभी 24 घंटे हुए हैं, तो वो 72 घंटे तक वैलिड है, तो कल तक वैलिड है वो,
तो हम आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट डे अभी हमें लास्ट सिटी में बॉर्डर 2 किलोमीटर है नामीबिया साइड में, तो ये गेस्ट हाउस था, रात को मैं इस रूम में रुका हुआ था, अभी मैंने गन्ने निकाली है। सुबह के 8 बजे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे हमारे कुछ इंडिया से भाई काम करते हैं उनके पास जाऊँगा, तो उनसे मेरी कल बात हुई थी प्रकाश भाई और उनसे सबसे, तो जैसे कि आप इधर आ जाना, हम जो आपकी करेंसी चेंज है ना अंगोला की जो करेंसी लेनी है मैं उनसे लेके जाऊँगा, और करेंसी के साथ साथ सिम कार्ड का भी मैंने उनको बोला था कि भैया सिम कार्ड भी अरेंज कर दो, तो बोले कि हाँ कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंट्री का सिम कार्ड और वहाँ की करेंसी दो इम्पोर्टेंट होती है, वो जो है वो मैं ले लूँगा अभी, और इसी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया था यार, क्योंकि ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी तो मुझे ज़्यादा देर तक बॉर्डर पर रुकना नहीं पड़ेगा। इस देश में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है हमें पहले ही बता दूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा रहेगा इस देश में हमारे साथ। प्रकाश भाई इस कंपनी में काम करते हैं, ये एक लेबनीज कंपनी है, लेबनीज लोग रन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम है इनका, यहाँ से अंगोला में सामान एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ से परचेज़ करते हैं, एक तरह से मल्टी ब्रांड स्टोर है, सब कुछ सेल करते हैं, उसका अकाउंट संभालते हैं प्रकाश भाई, और 3-4 लोग हैं हमारे इंडियन यहाँ पे। सो गाइस मैं आ गया था इधर भाई के पास में, तो ये प्रकाश भाई हैं, कैसे हैं भाई आप? मुंबई से हैं, कैसे हैं भाई? और सर प्रशांत जी जनाब मनी आईयर भाई, और से मैंने ना करेंसी चेंज करा ली प्रकाश भाई ने, थैंक यू सो मच, एंड सिम कार्ड दे दिया, तो अब हमारे पास अंगोला की करेंसी है और एक नया सिम कार्ड है अंगोला के लिए, तो वो हम चेंज करेंगे बॉर्डर क्रॉस करके और डाल लेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे, अभी जब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रकाश भाई, थैंक यू सो मच सर। करेंसी चेंज करवा लिए, अंगोलियन करेंसी को क्वांजा बोलते हैं, तो $1 का जो क्वांजा मिला 490, नॉर्मली जो गवर्नमेंट रेट है वो 450-60 के आसपास चलता है, थोड़ा सा फ़ायदा उसमें हुआ इसीलिए मैंने इस साइड से चेंज करवाया। और दूसरा सिम कार्ड मिल गया है, उसको रिचार्ज दूसरी साइड जाके करवाएंगे। अब निकलता हूँ इस जगह से, बॉर्डर पे चलता हूँ, टाइम टू से बाय बाय नामीबिया। और नामीबिया में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें रही, बहुत सारा प्यार मिला, और स्पेशली थैंक्स एलेक्स भाई, JP, संदीप, धर्म सिंह जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन हाई कमीशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्री में, इंटर करते हैं अंगोला की तरफ। अभी मैं हूँ, मेरा पहला वेलकम युगांडा अंगोला में, वेलकम टू अंगोला, ये पीछे इमिग्रेशन है हमारा, तो अंगोला के लोग इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से धीरे धीरे, सो वेलकम टू अंगोला। साइकिल बाबा की इस जर्नी के 71वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पीछे दिख रहे ये बॉर्डर है भाई, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि साइड चेंज होगी, ये साइड चेंज होगी भाई, अब हम दूसरी साइड में आ गए हैं। बाकी बातें मैं थोड़ा इमिग्रेशन से बाहर निकल के, कस्टम से बाहर निकल के सबसे फिर करूँगा। More moments later. Officially we enter into Angola now.
और मैंने पहले इंटर करते ही गलती कर दी, राउंड अबाउट पे जो है उधर की तरह ले लिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव स्टार्ट हो गई है, राइट हैंड ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी देर तो कन्फ्यूज़न रहेगा। अरे वाह, यहाँ तो बोडा बोडा चलता है। दोबारा से लगता है कि अफ्रीका में इंटर कर गया हूँ, अदरवाइज बीच में तो ऐसे हो गया था कि क्या यार कहाँ आ गया। खैर अच्छा है, नया कंट्री नई एनर्जी। तो अभी मैं किसी को भी नहीं जानता, एक चंदन भाई हैं वो लुवांडा में हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, अदरवाइज़ आई डोंट नो एनीवन। तो अभी देखते हैं क्या रहेगा, कैसे जाएंगे कैसे रहेंगे। तो पहले तो हमें करना है सिम कार्ड को रिचार्ज। 3000 में 3 GB मिला है, तो $6 का 3 GB, ₹500 में 3 GB डाटा मिला है भाई। लगने लग गया पूरा अफ्रीका मेंटर हो गया, वही रोड साइड सामान बेचना, कोई पुरानी गाड़ियाँ, यहाँ पे गाड़ियों की नंबर प्लेट ब्लैक है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर के करीब एक सिटी दिखा रहा है ओडीजीवा करके, तो आज वहीं रुकेंगे क्योंकि अभी जो है 10:30 हो गए, मुझे जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसमें 1 घंटा लग गया। मेरे पास ई वीज़ा था, ई वीज़ा से फिर मुझे स्टिकर वीज़ा लेना पड़ा और पे करने पड़े थे, पे हमने यहीं बॉर्डर पे किए, $120 पे करने पड़े। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट अच्छा है, पर अच्छा लगा यार पहले दिन इंटर करके। 71वें देश में आपका स्वागत है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूँ ही बना रहेगा, यूँ ही कंट्री टू कंट्री चलते रहेंगे। I-10 आ गई है लोग, ये भाई सब जो हैं चेंज देने वाले हैं। पहला कोई गांव या शहर कह सकते हो, कस्बा सा आया है, अच्छा बना रखा है यार, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी अच्छी लगी हुई हैं, पर ये जो चीज़ है ना ये तरसाती है, जो बच्चे भूखे रोड पे बैठे रहते हैं ना। क्या बात है, बस स्टैंड देखो कितने खूबसूरत से बना रखे हैं, पार्किंग एरिया भी रोड साइड ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है हमारे साथ में वो है लैंग्वेज, पुर्तगीज़ का हमें एक भी शब्द नहीं आता, खैर सीख जाएंगे थोड़ी देर में। अरे ये तो कोई होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है बट बंद किया हुआ है, काम वर्किंग नहीं है, कबूतर बोल रहे हैं। नामाकुंदे शहर का नाम है, नामाकुंदे गांव है, शहर तो नहीं है। लास्ट 5 कंट्री जो थी ना, स्वाजीलैंड, लुसोतो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये अफ्रीका जैसी लगती नहीं थी क्योंकि यहाँ पर वाइट पीपल का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो सुपरमार्केट ये वो, अंगोला जो है घुसते ही ऐसे लगने लग गया कि हाँ दोबारा से हम अफ्रीका में इंटर कर गए। और अब जो वेस्ट कोस्ट रहेगा ना पूरा ऊपर मोरक्को तक, लैंग्वेज बैरियर रहने वाला है, यहाँ पे अंग्रेज़ी भी नहीं आती लोगों को और कहीं पे फ्रेंच कॉलोनी रही है, कहीं जर्मन कॉलोनी रही है, कहीं पे पुर्तगीज़ रही है, कहीं स्पेनिश कॉलोनी रही है, तो ऐसी कंट्रीज आएंगी। बाकी देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दोनों को यहाँ पे रोका है और यहाँ पे टाइम जोन चेंज हो गया, 1 घंटे पीछे हो गए अब हम इंडिया से, पहले हम 3.5 घंटे पीछे थे, अब 4.5 घंटे पीछे हो गए। तो अभी इंडिया में जो है 4:30 होंगे, यहाँ पे 12 बजे हैं और बहुत तेज़ धूप है, टेम्परेचर जो है आज लगभग 42 डिग्री के आसपास है। यहाँ पे पीछे कोई गोदाम वोदाम बना हुआ, ये हाईवे है तो इधर से हमारे यहाँ बॉर्डर इधर है और इधर हमें जाना है, तो अभी 31 किलोमीटर रह गया आज का टारगेट। वहाँ पे जाके देखेंगे कि कोई गेस्ट हाउस मिलेगा कि नहीं। ओला, गुड गुड गुड, मुझे तो एक ही शब्द आता है अभी, ओला। और पुर्तगाइज वाला? नो डाउन डाई नामीबिया। पीछे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले ने रोका, अच्छी तरह बातें की यार, ब्रिगाद अमीदू, थैंक यू ब्रदर, कुछ दो शब्द सीखने की कोशिश की, पुर्तगीज लैंग्वेज बैरियर, बट अच्छा डील किया उन लोगों ने। हवा तेज़ सामने की चल रही है, देखो फ्लैग आपको बता रहा होगा,
पीछे देखिए गाड़ियों की लाइन कैसी लगी हुई है, पेट्रोल के लिए लाइन लगी हुई है ये, क्योंकि बॉर्डर से चल के बाद में पहला पेट्रोल पंप आई है और नामीबिया में पेट्रोल महंगा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। कितना सस्ता है वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में यार। सो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गया था, तो इस जगह पे मेरे को भाई दिखा, मुझे लगा कि इंडियन है पर वो मोरतेनिया गए, उनका शक्ल हमारे जैसे मिलती है। तो फिर मैंने इससे बात की कि यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस मिलेगा क्या, तो पीछे गेस्ट हाउस मिला है एक मेरे को $20 का, लगभग 1500 रुपये का। तो देखते हैं, थैंक यू, हाउ टू से थैंक यू, और ओब्रिगादो। दनुक वहाँ खड़ा करा, दनुक गिर गया अभी। और मैंने इनसे ना डिनर मंगवा लिया, ये रूम ले लिया मैंने। डिनर में मेरे को क्या मिला देखो, ये टमाटर की चटनी है, ये स्पिनिच है और एक तरह से पालक कह सकते हो, राइस और थोड़ी फ्रेंच फ्राइज। अंगोला में अब मुझे ये ही खाने को मिलेगा मैक्सिमम, तो अच्छा है यार, खाना अच्छा मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो पिज़्ज़ा वीज़ा खा खा के मैं परेशान हो चुका था, अब अच्छा खाना मिलेगा।